We started with buccal cavity of frog, और we discussed about teeth. दांत कैसे इनके एट्रोडोंट है, पॉलीफाइलोडोंट है, as well as there are two types of teeth. एक तो कौन सा, एक आपको दिख रहे हैं मैक्सिलरी और दूसरे दिख रहे हैं वो में रहे हैं, और सलाइवरी ग्लैंड तो है ही नहीं. ठीक है, अगर फ्रॉग का बकल कैविटी ओपन करें तो आपको क्या दिखेगा. एंड मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप फ्रॉग के केस में उसका बकल कैविटी देख करके सेक्स डिटर्मिनेशन पता कर सकते हो, मेल है या फीमेल है. ठीक है, ये खास बात यहाँ पे है, मेल फीमेल फ्रॉग अलग अलग, मेल है फीमेल कैसे पता लगेगा, बकल कैविटी से कैसे पता लगेगा. ये फ्रॉग का बकल कैविटी है, इसका मुंह इस तरीके से हमने खोला हुआ है. ठीक है, तो दिस इज अपर जॉ. क्या ये अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ. ठीक, लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं, हमारे केस में भी यू विल बी कॉलिंग इट मैंडिबल. मैंडिबल और ये मैक्सिली, मैक्सिली जो है असल में टू पार्ट ऑफ बोन होता है. यहां लोअर जॉ में क्या देख रहे हो, इसकी टंग है ये आगे से फिक्स है और पीछे से फ्री है, तो ये है बाइफेड. क्वेश्चन आता है बाइफेड यानी बाइफर्केटेड, बाइफर्केटेड स्टिकी टंग. दिस इज बाइफर्केटेड स्टिकी टंग. स्टिकी कैसा, कि थोड़ा सा भी आप इसको टच करेंगे तो इसके ऊपर जो भी मटेरियल है वो स्टिक करा देता है, इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए अपनी टंग को बाहर फेंकेगा और इंसेक्ट्स को पकड़ लेगा. ये दांत जो मैक्सिली बोन के ऊपर है, इनको मैक्सिलरी टीथ कहा जाएगा. ये है वो में रहेगी, ये टीथ वो में रही है, वोमर टीथ जिनको बोलेंगे. ठीक है, और डेफिनेटली नॉस्ट्रल, दीज आर नॉस्ट्रल्स, इसके नाक वाली ओपनिंग अंदर खुल रही है. अगर ये मेल फ्रॉग है तो यहाँ पे वोकल सैक ओपनिंग होगा, अगर ये मेल फ्रॉग है तो देयर विल बी ओपनिंग ऑफ वोकल सैक. ठीक, दिस इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस गलेट, दिस इज ओपनिंग ऑफ esophagus. Then here you can see this is glottis. Glottis. So glottis is opening of this is opening of trachea. Opening of trachea. ठीक है, और क्या प्रेजेंट है यहां पे, दिस इज ओपनिंग ऑफ यूस्टिकियल ट्यूब्स. ओपनिंग्स ऑफ यूस्टिकियल ट्यूब्स, एक्चुअली यूस्टिकियल ट्यूब फेरिंग्स और
मिडल ईयर की कनेक्शन है. दिस इज द कनेक्शन ऑफ मिडल ईयर एंड फेरिंग्स. मिडल ईयर एंड फेरिंग्स, गले के और कान के बीच का कनेक्शन. हमारे में भी ऐसे होता है. ठीक है, तो दिस इज बकल, ओपन बकल कैविटी ऑफ अ फ्रॉग. अब थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरह से इसी इसके इसी पार्ट के पीछे से इसोफेगस है, देन स्टमक है, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यूड है पूरा का पूरा. डन. अभी यहां पे आप देख रहे हो कि कोई सेलेबरी ग्लैंड की ओपनिंग नहीं है. टंग इज बाइफर्केटेड स्टिकी. काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे. ये टंग को बाहर दूर तक फेंकेगा. अब ये टंग अगर इधर से होती तो बाहर प्रोट्यूड करना थोड़ा डिफिकल्ट था. हालांकि कुछ रेप्टाइल्स हैं जो बहुत दूर तक अपनी टंग को बाहर थ्रो कर सकते हैं. अपनी बॉडी के डबल लेंथ से भी ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कैमलियन इस तरह कर सकता है. बट इसके केस में कि टंग एक लेवल तक ही बाहर जाएगी, और बाहर कोई भी अगर इंसेक्ट उड़ रहा तो उसको स्टिक कर लेते साथ में. ठीक है, तो दिस इज बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग. उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में खास बात यह है कि जो स्टमक है वो पाउच जैसा है, जे शेप नहीं है जैसे कि हमारे केस में. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ड्यूडेनम है, जेजुनम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सेंट होगा. पैनक्रियाज है, लिवर है, वो सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे जेजुनम नहीं है. ठीक है, और लास्ट में जो इसका कोलन पार्ट है वो उस तरह नहीं है जैसे हमारे केस में लार्ज इंटेस्टाइन है. इट इज ओपनिंग इनटू क्लोइका. ठीक है, तो ये ओवरऑल डिटेल है, थोड़ा सा नोट कर ले इसमें जो प्रेजेंट और एब्सेंस के हिसाब से गट के बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट आइडिया. तो पहले इसके न्यूट्रिशन से ही शुरू कर लेते हैं. एडल्ट फ्रॉग्स आर इंसेक्टिवोर. एडल्ट फ्रॉग्स आर इंसेक्टिवोर मतलब बेसिकली कार्निवोर कैटेगरी में आ गए. इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, और यही इनका मेन डेटा है, डिटेल है. ठीक है, तो दे आर इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट्स को फीड कर रहे हैं. और जो इनका लार्वल फॉर्म है वो हर्बीवोर है, बट द लार्वल फॉर्म इज लार्वल फॉर्म यानी कि टेडपोल लार्वा इज हर्बीवोर है. ओके, यहां पे आपको डिटेल पता चलेगी कि जो इनका मेटामॉर्फोसिस है वो रिट्रोग्रेसिव होता है. उसमें एक चीज ये भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोपोर्शन एम्ब्रियो का और एडल्ट का वो डिफरेंट है. एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्गर होगा प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी कि जो लार्वल डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज लॉन्गर, और एडल्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्टर. लिख लो उस बात को. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ टेडपोल इज लॉन्गर. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ टेडपोल इज लॉन्गर अकॉर्डिंग टू बॉडी प्रोपोर्शन. बॉडी प्रोपोर्शन एज कंपेरेबल विथ विथ किससे? फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग. एज कंपेरेबल टू एडल्ट फ्रॉग. ठीक है, एडल्ट फ्रॉग के मुकाबले कैसा है? ये इस तरह है. आगे लिखो. समझ आ गई बात आपको? तो आगे जो है इस तरह का मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लंबी डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्टर डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट हो रही है. दिस इज कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. लिखें, इंपॉर्टेंट बात है कि लॉन्गर गट कन्वर्टेड टू शॉर्टर गट
from adult to from larva to adult, from larva to adult is an example of किसका example है? Example of retrogressive metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस, आइडिया समझ में आ गया? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल हो गई, मतलब प्रोग्रेस की बजाय क्या होगा, डिजेनरेशन होगा, मतलब बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बाद में छोटा हो गया। अगला पॉइंट है, ये बात इंपॉर्टेंट हुई है, तो इंपॉर्टेंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसमें, जैसे हमारे केस में ह्यूमंस में क्या है, ड्यूडेनम जेजनम इलियम, इनके केस में क्या है, ड्यूडेनम तो है लेकिन जेजनम नहीं है, ठीक है, लिखें, इंपॉर्टेंट बात है, इन ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन three parts are found, that is duodenum, 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 jejunum, 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 duodenum, jejunum, and ileum, 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 ठीक है, ileum, तो तीन पार्ट होते हैं, but in frog, ये बात इंपॉर्टेंट है, but in frog, jejunum is absent, but in frog, jejunum is absent, इसमें jejunum नहीं है, ठीक है, jejunum is absent, जो स्टमक है वो स्ट्रेट है, सीधा है, मतलब हमारी तरह जे शेप नहीं है, ठीक है, लिख लें, स्टमक इज सिंपल एंड स्ट्रेट है। आई समझ में बात? अगली बात ये है, एक तो सिंपल हुआ, स्ट्रेट हुआ, दूसरा जो गट है उसका लास्ट पार्ट वो खुलता है क्लोइका में, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ गट ओपन इनटू क्लोइका, क्लोइका में खुल रहा है, और क्लोइका जो है दैट विल ओपन आउट, क्लोइका बाहर बन जाएगा, यही होता है इसमें, ठीक है, तो ये पूरी बात है। इसमें लिवर है, पेनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, तीनों चीजें, देखें, लिवर गॉल ब्लैडर पेनक्रियास ऑल प्रेजेंट। फिर याद रखना कि वी आर नॉट डिस्कसिंग होल द डिटेल स्टेप वाइज, हम वो बातों को उसी हिसाब से लिख रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज तो यू वुड बी गोइंग थ्रू कि भी ये डायग्राम उसकी जहां जरूरत है वहीं पे करेंगे, क्योंकि डायग्राम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां पे कंपैरिजन हो जाना है। इस साल के सिलेबस के बाद ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है पेपर के अंदर, है ना, जो 2025 वाला एग्जाम देंगे बच्चे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम नहीं देंगे, तो वहां से हटा दिया, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, अब उसका कोई कारण हो सकता है, तो पढ़ाना तो फिर भी बताना पड़ेगा, तो वी डिस्कस दैट विद फ्रॉग। अब फ्रॉग का बढ़ाने लगते हैं, अगर ह्यूमन वाला खत्म हो गया तो हम किसका डिटेल में डिस्कस कर दे रहे हैं, फ्रॉग के कनेक्शंस डिस्कस कर दे रहे हैं और ह्यूमन वाला उससे कंपेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि बुक से भले ही हटाया गया हो, दैट विल बी, मतलब कहीं ना कहीं वो पूछा जा सकता है, फ्रॉग का पूछ लेंगे, है ना, बट उसको क्यों हटाया उसका कारण समझ में नहीं आया, तो अभी यहाँ पे क्लियर होगी बात अपनी। अब क्या है, ये तो हुआ इनका सिस्टम इस तरह से, बाकी थोड़ा सर्कुलेशन में क्या डिटेल है और रेस्पिरेशन में क्या डिटेल है, रेस्पिरेशन के भी आइडियाज दो दो लाइनों में इनको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व क्यूटेनियस ब्रीदिंग
cutaneous breathing. It involves cutaneous breathing. It involves cutaneous breathing. Cutaneous breathing involve karega. Breathing through skin. किससे ब्रीथ करेगा? स्किन से ब्रीथ करेगा, समझे? और जब फ्रॉग पानी में हो, इन वाटर, जब पानी में होते हैं तो दे ब्रीथ विद स्किन से भी करते हैं, मतलब स्किन से ब्रीथ करते हैं. दूसरा होता है फेरिंजियल ब्रीथिंग. फेरिंजियल ब्रीदिंग, फेरिंजियल ब्रीदिंग क्या होती है? जो फेरिंग्स वाला जोन होता है वहां से थ्रू द सर्फेस, ये फेरिंजियल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ब्रीदिंग ये भी होती है. तीसरा है पल्मोनरी, पल्मोनरी ब्रीदिंग, यानी कि लंग्स के थ्रू, वन पेयर लंग्स होते हैं. पल्मोनरी ब्रीदिंग, दे ब्रीद थ्रू लंग्स. पल्मोनरी ब्रीदिंग क्या हुआ? ब्रीथ थ्रू लंग्स. पल्मोनरी ब्रीदिंग, ब्रीथ थ्रू लंग्स. तो इनके पास ऑप्शंस है. बॉडी सरफेस में दो पार्ट हो गए, एक तो इनका हो गया स्किन और दूसरा हो गया फेरिंग्स, ये गले वाला इलाका, दूसरे हो गए लंग्स, ठीक है? लंग्स में जो ब्रीथ कर रहे हैं तो दे आर व्हेनेवर दे आर आउट ऑफ वाटर, दे आर आउट ऑफ वाटर. तो पल्मोनरी ब्रीदिंग है लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग, कब हो रही है? आउट ऑफ वॉटर, पानी के बाहर हो रही है. आउट ऑफ वॉटर, पानी के बाहर हो रही है, ठीक है? समझ में आ गया बात आपको? तो ये पानी के बाहर हो रही है ब्रीदिंग, ये सिस्टम क्लियर है यहां पे? आगे क्या करेगा? कैटपोल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, लिख लो, विद द हेल्प ऑफ लार्वा ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, विद द हेल्प ऑफ गिल्स, गिल्स के थ्रू लार्वा, जो टैडपोल होता है, तो टैडपोल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ठीक है? तो ब्रीदिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए. तो इस तरह ये ब्रीद कर रहे हैं और ब्रीदिंग का सिस्टम ये है. यहां पे जो आप देख रहे हो कि ब्रीदिंग के लिए कोई रिब्स का मूवमेंट नहीं है, रिब्स की जरूरत, रिब्स यहां पे होते ही नहीं है, ना ही कोई डायफ्राम है, ठीक है? तो डायफ्राम और रिब्स का सिस्टम नहीं है, जस्ट यहां पे जो इसका जो फेरिंजियल पार्ट है उसकी अप डाउन से इसका ब्रीदिंग का सिस्टम चलेगा. तो ओवरऑल ये हुआ. अब एक्सक्रीशन, उस पे आ जाओ, सर्कुलेशन में. सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या देख रहे हो? सर्कुलेशन में कंपोनेंट वही है, यू विल सी दीज आर वेरी सिमिलर टू द ह्यूमंस, वैसे ही है. तो हार्ट देख रहे हो यहाँ पे, हार्ट थ्री चेम्बर्ड है, जो कि एम्फीबियन हार्ट होता ही ऐसा है, थ्री चेम्बर्ड, यानी कि टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होती है, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, कॉन्सेप्ट ओके हुआ? दो ऑरिकल वन वेंट्रिकल हुए. तो दो ऑरिकल वन वेंट्रिकल का मतलब हुआ वेंट्रिकल में प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है. लिखो इस बात को, इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल
in ventricle to in ventricle pure and impure blood get mixed. मतलब ऐसे समझो ये सिस्टम है, ये वेंट्रिकल है और यहां से जो ब्लड की ये वॉल्व्स हैं, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल में मतलब लंग्स से आया ब्लड यहां पे, बॉडी पार्ट से ब्लड यहां पे आया. इस जगह जो ब्लड आता है वेंट्रिकल में, दोनों तरफ से ब्लड आएगा एंड हियर इट इज गेट मिक्स्ड और बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिक्स्ड ब्लड ही रिसीव करेंगे. ऑल बॉडी ऑर्गन्स रिसीव मिक्स्ड ब्लड. तो इनके केस में ये कोल्ड ब्लडेड होने का एक तो मतलब ये भी कारण है कि बिल्कुल सुस्त रहेंगे, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, तो यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, ब्लड मिक्स होते हैं. और एक चीज और है कि जहां ये चेंबर में, हार्ट का ये चेंबर है, इसके पहले यानी कि राइट ऑरिकल के पहले एक स्वेलिंग सी मिलेगी आपको और हार्ट में भी एक स्वेलिंग लास्ट में मिलेगी. दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड साइनस venosus and this is called conus. conus arteriosus. conus arteriosus. ठीक है, तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल है. यहाँ पे आप लिखो वेंट्रिकल, ब्लड ऊपर से फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स और यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स, ये बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाएगा. ठीक है, तो जहां से एंट्री हो रही है बिफोर ऑरिकल, बिफोर ऑरिकल बिफोर ऑरिकल देयर इज एडिशनल, मतलब एक चैम्बर जैसा कुछ है. देर इज एडिशनल साइनस वेनोसस, देर इज साइनस वेनोसस एंड आफ्टर वेंट्रिकल, बिफोर ऑरिकल, बिफोर राइट ऑरिकल, बिफोर राइट ऑरिकल साइनस वेनोसस एंड बिफोर एंड आफ्टर वेंट्रिकल, after ventricle, after ventricle क्या होगा यहां पे, conus arteriosus, conus arteriosus. और देखिए थ्री chambered है और चूंकि ये vertebrate heart है तो definitely it will be myogenic. ठीक है, vertebrate heart तो myogenic होगा ही होगा, इट इज मायोजेनिक. ओके, तो हार्ट इज मायोजेनिक, यानी कि हार्ट बीट ऐसे नोट से जनरेट होगी. अभी ये हुआ हार्ट, ब्लड के प्रोफाइल पे देख लो. ब्लड में हमने एम्फीबिया में लिखा होगा लार्जेस्ट आरबीसीज है. ठीक है, तो आरबीसीज जो है वो कैसी है, इसकी सबसे बड़ी आरबीसीज होंगी. तो ब्लड में मतलब ब्लड में आरबीसी, एम्फीबियन आरबीसी का पूरा फीचर शो करेगा. तो डेफिनेटली आरबीसी जो है बाई कॉनवेक्स है. कैसे हैं, बाई कॉनवेक्स न्यूक्लिएटेड, बाई कॉनवेक्स न्यूक्लिएटेड एंड वी नो एम्फीबियन आरबीसीज आर लार्जेस्ट. एम्फीबियन आरबीसी सबसे बड़े होते हैं, यह बात हमें मालूम है. ठीक है, तो यह हो गया बेसिक प्रोफाइल ब्लड के बारे में. दूसरा, यह पहले बता चुका हूं कि टेम्परेचर जो है यह मेंटेन नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट,
ये जैसा एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसे ये जो है हो जाएंगे, उतना टेम्परेचर होल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन में लिखो पेयर्ड किडनीज है, पेयर्ड किडनीज मीजोनेफ्रिक टाइप। ये क्वेश्चन आता है मीजोनेफ्रिक टाइप, मीजोनेफ्रिक तो पेयर्ड किडनी है, मीजोनेफ्रिक टाइप है, मीजोनेफ्रिक टाइप, पेयर्ड किडनीज मीजोनेफ्रिक टाइप, मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है, पेयर्ड किडनीज है एंड इज आर मीजोनेफ्रिक किडनीज। और मतलब ये हुआ मीजोनेफ्रिक में मीडियम जो इनका डेवलपमेंट होता है, प्रोनेफ्रिक आपने कहा फिशेज में पड़ रहा है, उसके पहले जो है फिशेज में ओपिस्थोनेफ्रिक है, उसके पहले प्रोनेफ्रिक है, ठीक है, यानी कि साइक्लोस्टोम्स वाले केसेस में, और उसके बाद ही मीजो है, और अगले तीन ग्रुप में आप कैसा पढ़ो मेटानेफ्रिक पढ़ो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया, यूरिया। अच्छा एक सिंपल बात और भी है कि जो किडनीज में नेफ्रॉन का नंबर है करीब 2000 है, ठीक है, ईच किडनी, मेड ऑफ व्हाट, ईच किडनी इज मेड ऑफ 2000 नेफ्रॉन्स, 2000 नेफ्रॉन का बना हुआ, मेड ऑफ 2000 नेफ्रॉन, करीब 2000 नेफ्रॉन की बनी है किडनी, ठीक। सिस्टम वही होता है, किडनी है उसमें यूरेटर है, वो सारा जैसे हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट उसी तरह, लेकिन किडनी में जो यूरिनरी ब्लैडर है दैट इज अटैच्ड टू दैट इज ओपनिंग इनटू क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग इनटू क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग इनटू क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग इनटू क्लोइका, ओके। एक और चीज जो मेल होता है, इन केस ऑफ मेल्स, इन मेल्स, males testes are internally attached to kidneys, over the kidneys, internally attached to the internally attached over the kidneys, मतलब किडनी है, किडनी के ऊपर testes रहेगा और अंदर से वो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं बाहर से अटैचेड है, कनेक्टेड इनसाइड, ये अंदर की तरफ कनेक्टेड है, समझ रहे हो। और अंदर की तरफ जो कनेक्शन है वहां पे एक कॉमन कैनाल मिलेगी, जिसमें क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2-3 साल पहले जो है, बिडर्स कैनाल, ठीक है। वो क्या है, देयर इज ए कॉमन कैनाल इनसाइड जो कि टेस्टीज और आपका जो इसमें किडनी है उसके साथ में रहेगा, ठीक है। तो देयर इज ए कॉमन कैनाल इनसाइड किडनी कनेक्टेड टू टेस्टीज एंड विच कैरी स्पर्म्स एंड यूरिन कलेक्टिवली, स्पर्म्स एंड यूरिन कलेक्टिवली, स्पर्म्स एंड यूरिन्स कलेक्टिवली, स्पर्म और यूरिन को कलेक्टिवली लेके जाएगा, ओके, स्पर्म एंड यूरिन कलेक्टिवली, समझ में आ गई बात आपको। तो बिडर कैनाल BIDDER apostrophe S इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ है दोबारा भी आ सकता है, तो बिडर कैनाल जो है वो कॉमन कैरिएज करेगा,
लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा, फीमेल के केस में जो ओवरीज हैं वो अटैच तो होती हैं ऊपर, लेकिन ओवरीज जो है वो इंटरनली अटैच नहीं होते। मेल के सिस्टम को यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहा जाएगा, फीमेल का सिस्टम यूरिनरी सिस्टम अलग है और जेनिटल सिस्टम वहां पे अलग है। हालांकि मेल और फीमेल दोनों में, दोनों ही क्लोएका में खुल रहे हैं, बट जो फीमेल का यूरिनरी सिस्टम जेनिटल के सिस्टम के साथ इंटरनली अटैच नहीं है, जैसे यहाँ पे किडनी के साथ टेस्टिस अटैच है। लिख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज इंटरनली अटैच्ड विद किससे? इंटरनली अटैच्ड विद किडनी, अटैच्ड विद किडनीज, इंटरनली अटैच्ड विद किडनीज, हेंस रेफर्ड एज यूरिनोजेनिटल सिस्टम, रेफर्ड एज यूरिनोजेनिटल सिस्टम। क्या कहेंगे यहां पे हम? यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहेंगे, ठीक है, वी कॉल इट यूरिनोजेनिटल, हम इसको यूरिनोजेनिटल कहते हैं। बट इन फीमेल यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम्स आर सेपरेट, यूरिनरी एंड जेनिटल सिस्टम्स आर सेपरेट। क्लियर हो गया? तो एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन भी हो गया और डाइजेशन भी हो गया। इसमें आगे रिप्रोडक्शन और बोन्स की बात, नर्वस सिस्टम की बात रह जाती है। बोन के बारे में सिंपली आप देखें कि जो स्कल है, ठीक है, वो कैसा है। लिखो, स्कल ऑफ फ्रॉग इज डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइकोंडाइलिक, DICONDYLIC, यानी कि टू ऑसिपिटल कोंडाइल। हमारा स्कल भी डाइकोंडाइलिक है, मार्जिन में नोट कर लीजिए ऊपर कि ह्यूमन या मैमेलियन स्कल इज आल्सो डाइकोंडाइलिक, मैमेलियन स्कल इज आल्सो डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, ओके। ममेलियन स्कल कैसा है? डाइकोंडाइलिक है। इनका कैसा है? डाइकोंडाइलिक है। बर्ड का, रेप्टाइल का, और जो ये दो केसेस, मतलब ये होता है हमारी ये स्कल है, स्कल वर्टिकल कॉलम के साथ में क्या अटैच है यहाँ से, तो ये जो अटैचमेंट है ना, जहां पे स्कल में इस तरह के दो एलिवेशंस हों और यहाँ वर्टिकल कॉलम के साथ अटैच हो एटलस के ऊपर, तो हम कहते हैं डाइकोंडाइलिक। अगर एक ही हो तो कहते हैं मोनोकोंडाइलिक। तो किसमें? बर्ड्स में और रेप्टाइल में मोनोकोंडाइलिक होती है, यहाँ पे क्या है, ये डाइकोंडाइलिक है। लिख लें, नो रिब्स प्रेजेंट, नो रिब्स प्रेजेंट, नो रिब्स, नो डायफ्राम, हालांकि डायफ्राम मस्कुलेचर का पार्ट हुआ, ठीक है, और नो आरबीएम, कोई रेड बोन मैरो जैसी चीज नहीं है, हड्डियों में बोन मैरो नहीं है, नो रेड बोन मैरो, मतलब यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है वो बोन्स में नहीं होगा। इट मींस हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस नॉट डन बाय बोन्स, नॉट डन बाय बोन्स। हीमोपोइसिस मतलब ब्लड की फॉर्मेशन, ये बोन नहीं करेगी तो कौन करेगा, ठीक है, नीचे नोट में लिख लीजिए, इट इज डन बाय, या ब्रैकेट में लिख लो, डन बाय किडनी, लिवर, डन बाय किडनी एंड लिवर, समझ में आया। ऐसे ही मार्जिन के ऊपर लिखिए, मैमेलियन एम्ब्रियोस में भी यही होता है, इन मैमेलियन एम्ब्रियोस किडनी एंड लिवर टिश्यूज आर हीमोपोएटिक, किडनी एंड लिवर टिश्यूज आर हीमोपोएटिक, किडनी एंड लिवर टिश्यूज आर हीमोपोएटिक, आर हीमोपोएटिक,
हीमोपोएटिक। कंसेप्ट समझ में आया? तो ये हो गया बोन से रिलेटेड आइडिया। एक और चीज है कि एक्सोस्केलेटन कोई नहीं है, ये तो चूंकि एम्फीबिया हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए पता ही है कि नो एक्सोस्केलेटन, नो क्लॉज, नो हूव्स, लिख लें नो एक्सोस्केलेटन, नो एक्सोस्केलेटन, दैट इज हेयर हूफ नेल क्लॉज एब्सेंट, हेयर हूफ नेल क्लॉज एब्सेंट, सी एल ए डब्ल्यू एस, क्लॉज एब्सेंट, क्लॉज एब्सेंट, पंजे वगैरह कुछ नहीं होते इसमें, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉग नदियों में मिलेगा, समंदर में नहीं मिलेगा, मैरीन वाटर में कोई नहीं मिलता, बिकॉज़ एम्फीबियंस वी हैव ऑलरेडी डन। समझ में आ गया? नर्वस सिस्टम पे आ जाओ, न्यूरॉन्स कैसे, मतलब जो ब्रेन है उसमें कॉर्पस कैलोजम नाम की चीज नहीं है जो कि मैमेलियन फीचर है। ब्रेन इज विदाउट कॉर्पस कैलोजम, ब्रेन में कॉर्पस कैलोजम नहीं होता है, मतलब इट इज मैमेलियन फीचर। मैमेलियन ब्रेन में मिलेगा, इट इज मैमेलियन फीचर, मैमेलियन ब्रेन में मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा, आया समझ? तो मैमेलियन फीचर है कॉर्पस कैलोजम। एक्चुअली होता क्या, लेफ्ट और राइट ब्रेन बीच में एक शेल्फ होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये शेल्फ दोनों को जोड़ती है, कॉर्पस कैलोजम, इसी से आपका जो है वो नीचे फ्लोर वगैरह जो है कंफर्म होगा, ठीक है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे उस टाइम पे, ये पढ़ेंगे कि कॉर्पस कैलोजम मैमल्स में होता है, यहाँ पे नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे नहीं होगा। बाकी बात ये है कि जो फ्रॉग्स हैं ये ऑल्फेक्शन सही कर पाएंगे, है ना, इनका विजन ठीक है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो, जो क्रेनियल नर्व्स है वो पूछा जाता है, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर, बाकी के अगले तीन केसेस में 12 पेयर होती है, यहाँ पे 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि स्पाइनल नर्व्स है वो सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS PNS तीनों मिलेंगे, है ना, नर्वस सिस्टम में तीनों पार्ट है, नर्वस सिस्टम में ANS PNS CNS ऑल प्रेजेंट, ये सारा कुछ होता है। नर्वस सिस्टम हो गया, लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन लिख लो, लाइफ साइकिल, क्योंकि रिप्रोडक्शन में मैं सेक्सुअली किस तरीके के हैं वो बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लेक्सेस डिस्कस कर चुके हैं, तो लाइफ साइकिल सिंपल आप ये लिखो, लाइफ साइकिल कंप्लीट एंड मेटामॉर्फिक टाइप, कंप्लीट एंड मेटामॉर्फिक टाइप, मेटामॉर्फिक टाइप इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज है यहां पे इनडायरेक्ट, ओके। लार्वा का नाम मालूम है, लार्वा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, लिख ले टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा शो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इनमें टेल होती थी और टेल जो है एडल्ट में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एक और बात है कि ये जो मेटामॉर्फोसिस कर रहे होते हैं, हार्मोन कौन सा जरूरी है, थायरोक्सिन, क्योंकि हमने नियोटनी के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेटामॉर्फोसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसका, नपचल पैड और वो पूरा डिस्कशन हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल अलग अलग है, मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस कहाँ अटैच है, किडनी के ऊपर, ओवरीज अलग है, ठीक है। तो ओवरीज के, ओवरीज में ये बात लिखने वाली है, फीमेल रिलीज ओवा, फीमेल रिलीज ओवा इन बॉडी कैविटी, फीमेल रिलीज ओवा, रिलीज ओवा इन बॉडी कैविटी, रिलीज ओवा इन बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी में रिलीज करेंगे, एंड थ्रू वन पेयर ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स, वन पेयर ओविडक्ट्स, दीज आर कन्वेड टूवर्ड्स, कन्वेड टूवर्ड्स,
conveyed towards cloaca and finally out. Cloaca conveyed to conveyed towards cloaca and finally out during amplexus. During amplexus, समझ में आ गया? Eggs jelly coated होते हैं protection के लिए. बाकी देखो दूसरे frogs हैं काफी. Frog अपने अपने तरीके से, मतलब बहुत सारे जो amphibians हैं, वो बहुत अच्छे parents हैं. वो अपने eggs को क्या करते हैं? Protection देते हैं. जो tree frog है, Hyla faber, वो tree के ऊपर nest बनाता है. कुछ कुछ बड़े बड़े जो flowers होते हैं, Rafflesia जैसे, उनमें पानी भरा हुआ उसके अंदर eggs लेकर रहे, ताकि जमीन predators से दूर रह सके. और जो ब्यूफो है वो अपनी बैक के ऊपर जो है एग्स को लेके घूम रहा है. पाइपा अमेरिकाना अपने बैक पेट्स के ऊपर, पीठ के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, बच्चे उसके अंदर बैठे रहते हैं. तो इस तरह से पेरेंटल केयर बड़ा अच्छा है इसमें. फाइनली एक चीज देखो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्रॉप का क्या है. तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो है, ठीक है, ये पूरा फूड चेन का पार्ट है. ये काफी सारे स्नेक्स का फूड भी होते हैं, दूसरी बर्ड्स का फूड होते हैं. बाकी ये नेचर के अंदर से जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं. ये सारी चीजें जो है ये फ्रॉग के बारे में है. बाकी पहले ये डाइसेक्शन किया जाता था इनका जो है, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए. अब वो चीज बैन हो चुकी है. किसी भी एनिमल को इस तरह से कटवट करना जो है वो अब अलाउड नहीं है, ठीक है. तो पहले ही बैन होना चाहिए था. ये पहले क्यों अलाउड था पता नहीं, तो ये बैन होना चाहिए था हमेशा से. तो फ्रॉग सब देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, है ना. तो फ्रॉग जो है जरूरी है डाइसेक्शन करना. बदले वर्चुअल मीडिया में बता देते हैं, डायग्राम्स हैं, मीडिया है, बता देते हैं. अब आपकी स्टडी के लिए किसी को मारना जरूरी थोड़ी है, है ना. इवन जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज में MBBS पढ़ोगे, वहाँ पे भी डाइसेक्शन के लिए 10-15 बच्चों को एक ही बॉडी, वो भी डेड बॉडी डोनेटेड वाली या कोई जो है इधर उधर से लाके देते हैं. तो है नहीं कि बस बंदा पकड़ो और काटो फिर दिखाओ, है ना, ऐसा नहीं ना. और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर्स में आपको लाइव केसेस पे बता देते हैं. अब जूलॉजी में जहाँ तक बात है, जूलॉजी की डिग्री जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप उन एनिमल्स को डाइसेक्ट कर रहे हैं जो अबंडेंस में, जैसे शार्क का डाइजेशन, जो स्कॉलियोडॉन है वो हायर क्लासेस में उस शार्क को डाइसेक्ट करवाते हैं, या कुछ जो है स्नेल्स आ जाती हैं उनका, लेकिन लिमिटेड लेवल पे है वो सारा कुछ. अब उतना नहीं है कि भी आप कोई एनिमल को लाएंगे कट करेंगे, ऐसा नहीं है. पहले फ्रॉग के साथ ये हो रहा था न्याय, अब वो नहीं हो रहा है. वो ब्लॉक ही हो गया तो पूरा बिजनेस ही ठप है उस तरफ का. तो ये चीज़ समझ आ गई. तो एक बड़ा एक सिंपल सा लास्ट में हाँ, इनके एग्स का तो लिख लो. एग्स का टाइप क्या है? एग्स मीजोलसाइथल है. Eggs are mesolecithal. Eggs mesolecithal हैं और cluster में रिलीज किए जाते हैं. Released in cluster coated by jelly. Foul smelling jelly. समझ गए बात? Foul smelling jelly. अब note एक लिख लीजिए कि जो फ्रॉग्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज के फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स आर नोन फॉर वेरी गुड पेरेंटल केयर. बहुत अच्छे पेरेंटल केयर के लिए इनको जाना जाता है. जैसे कुछ एग्जांपल, हाइला, HYLA, हाइला फेबर होता है, ग्रीन कलर का है. HYLA, tree frog, make tree nest, ठीक है जी. अगला लिखो, Pipa Americana, कौन है? सुरिनाम टोड, SURINAM TOAD, carry young ones on सुरिनाम टोड, अमेरिकन टोड है, सुरिनाम टोड, ठीक है. कैरी यंग वंस ऑन बैक पेट्स. और ब्यूफो कैरी टोड जो होता है, ब्यूफो कैरी एग्स ऑन बैक,
ब्यूफो कैरी एग्स ऑन बैक, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इनके। बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या कि कई कंट्रीज में फ्रॉग के जो फ्रॉग को चिकन की तरीके से भी लोग खाते हैं, चिकन की तरीके से, क्योंकि उसके जो फीमर बोन होती है उसके ऊपर फ्लैश अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पे चलता है सारा, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि ऐसे ऐसे खाने हैं दुनिया में, फूड्स हैं जिनको आप सोचोगे कि अच्छा ये भी होता है, तो कैनिबलिज्म के एग्जांपल्स हैं, ह्यूमन एम्ब्रियोस जो हैं इवन वो भी खाए जाते हैं, कहाँ, हांगकांग में इनका अच्छा खासा मार्केट है, क्योंकि चाइना है बराबर में, और चाइना जो है वहां पे सिंगल चाइल्ड नॉर्म है, ठीक है। तो कई बार जो ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगे वो बच्चे कहाँ जाते हैं, वो जो है डिब्बा बंद पैकेट में जो है वो बेचा जाता है, खाया जाता है। ये अकेले कंट्रीज हैं ऐसे जहाँ पे ह्यूमन कैनिबलिज्म टेस्ट के लिए हो रहा है, ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये चीज सोच के हमारा तो दिमाग ही खराब ना हो जाएगा, है ना। तो दिस इज, ये ऐसी ऐसी, अब कैनिबलिज्म जब आएगा चैप्टर तो उस पर बात करेंगे, कहीं ना कहीं आएगा। तो कैनिबल्स होते हैं, जब आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो कैनिबल बताऊंगा ना, तो कैनिबल्स होते हैं अपनी ही स्पीशीज को खाना। कई जगह तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए होता है, जैसे क्रोकोडाइल अपने ही जो स्पीशीज के ह्यूमंस को खा लेता है, ऐसे किंग कोबरा खा लेता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती है। तो कैनिबलिज्म का एक सिस्टम है, वो डिस्कस करेंगे। फ्रॉग्स को खाया जाता है, तो ये बात यहाँ पे थी, ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है एम्फीबिया होगा, रेप्टिलिया नेक्स्ट टॉपिक है रेप्टाइल्स पे। तो रेप्टाइल्स में कोई टाइप स्टडी नहीं है, इट इज स्ट्रेट जो इसके फीचर्स है वो पढ़ेंगे। काफी कुछ चीजें अब एक जैसी हैं, ठीक है, सिर्फ ऑर्गन का नाम लिखना है, उसके प्रोडक्ट लिखने, और थोड़ा बहुत देर इफ देयर इज सम मॉडिफिकेशन तो उस पर बात करेंगे। तो टुमारो मतलब हम लोग करेंगे रेप्टिलिया। ओके।